कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि हानिए की हत्या के बाद किस तरीके से इजराइल पूरी प्लानिंग करके बैठा है, दूसरी ओर ईरान की बात करें तो वो लगातार हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इसके बीच में अमेरिका को टारगेट करने के लिए आपको बता दें, चाहे पुतिन की बात करें, खामेनेई की बात करें, किम जोंग की बात करें, वो एक साथ आकर एक प्लॉट बना चुके हैं। क्या है वो प्लॉट, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सावधान हो जाइए, धमाका होने वाला है। तरक्की की ओर बढ़ते विश्व को जंग की आग में झोंका जा रहा है। बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया में किसी भी वक्त एक चिंगारी ही धमाका कर सकती है, मतलब तीसरे विश्व युद्ध की टिक 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 शुरू हो चुकी है। क्योंकि अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा मिडिल ईस्ट में उतार दिया है और अमेरिका ने यहां पर अपने सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट कैरियर में शामिल यूएसएस अब्राहम लिंकन को भेजने जा रहा है। हमास के चीफ रहे हानिए की मौत के बाद से वर्ल्ड वॉर का प्लॉट तेजी से मिडिल ईस्ट में तैयार हो गया है, क्योंकि सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व तोड़ने के लिए उसके दुश्मन मुल्क एकजुट हो गए हैं। अमेरिका के खिलाफ पुतिन, जिनपिंग और खामनेई के साथ ही किम जोंग ने भी कोई बड़ा युद्ध छेड़ने का प्लान तैयार कर लिया है। चीन ने भी खुलेआम ईरान का साथ देने का ऐलान कर दिया है, तो क्या ये विश्व युद्ध की आहट है? अमेरिका के खिलाफ अगर देखा जाए, अगर रशिया मिल जाता है, चाइना मिल जाता है, ईरान मिलता है, कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी मिल जाता है, और अगर ये सब मिलकर एक किसी तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक या किसी भी तरह की बात अमेरिका के खिलाफ करते हैं, तो निश्चित है कि अमेरिका के साथ भी काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिलेंगे। एंड ऑब्वियस बात है कि ये जो युद्ध का स्वरूप है वो छोटा नहीं रहेगा, वो बढ़ता चला जाएगा, और डेफिनेटली ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होते देर नहीं लगेगी। वर्ल्ड वॉर की पटकथा यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक लिखी जा रही है, क्योंकि इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी जंगी बेड़े दहाड़ने लगे हैं। अमेरिका ने मिसाइलों से लैस पनडुब्बी को भी इजराइल के करीब भेज दिया है। अमेरिका और इजराइल के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात के बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि इजराइल पर किसी भी वक्त ईरानी हमला हो सकता है। दुनिया में दो महायुद्ध पहले ही चल रहे हैं, रूस और यूक्रेन के साथ ही इजराइल बनाम हमास की जंग जारी है। दोनों ही युद्धों के बीच की कड़ी है अमेरिका, इसीलिए अब जंग बनाम जंग होने वाली है, क्योंकि रूस के खिलाफ यूक्रेन को अमेरिका लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है और हमास और ईरान के खिलाफ वो इजराइल को भी मदद कर रहा है। अब यूएस को घेरने के लिए पुतिन के साथ ही किम जोंग, खामनेई और शी जिनपिंग उतर आए हैं। ईरान किम जोंग बैलिस्टिक मिसाइल रूस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। ईरान दोनों ही जंग में अमेरिका जैसे एक बड़ा प्लेयर बनकर उभर रहा है। अब तो इजरायली विदेश मंत्री ने भी खुलासा कर दिया है कि उसके दुश्मन हमास को ईरान हथियार सप्लाई कर रहा है। दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, अमेरिका इसराइल और यूक्रेन के साथ ही उसका पूरा धड़ा है, तो वहीं रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी ताकत दिखा रहा है। ये महाशक्तियां अगर आपस में टकराई तो महाविनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे रूस की बढ़ती हुई ताकत की। रूस पूरी दुनिया को अपनी बढ़ती हुई ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, हथियारों का जखीरा दिखा रहा है। दरअसल रूस में आर्मी एक्सपो में एक दो नहीं 83 देश उसमें शामिल हुए, लेकिन सबसे खास बात इसमें यह रही कि ईरान की ओर से ऐसा कौन सा अस्त्र है जो रूस को दिया गया, जिसके बाद अमेरिका तिलमिला चुका है, बौखला चुका है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, ऐसे ही कई हथियारों का जखीरा है जो दुनिया में तबाही ला सकता है। पुतिन भले ही यूक्रेन से जंग लड़ रहे हों, मगर अपने देश में कई मुल्कों के दिग्गजों को लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि मॉस्को में 83 देशों के आधिकारिक सैन्य प्रतिनिधिमंडल आर्मी फोरम 2024 में भाग लेने के लिए आए हैं। रूस की आर्मी यहां अपने हथियारों की नुमाइश कर रही है, तो अपने दोस्तों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए पुतिन अपनी ताकत को और भी बढ़ाने में जुटे हैं।
मॉस्को में हो रहे इस इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा है ईरान की। उसका प्रतिनिधिमंडल रूस आया हुआ है क्योंकि ये दोनों ही देश अमेरिका की नाक में दम कर रहे हैं। लेकिन पुतिन और खामनेई की जो डील सामने आई है उससे दुनिया चौंक गई है। इस डील के मुताबिक ईरान अब शाहिद ड्रोन के बाद बैलिस्टिक मिसाइलें भी रूस को देने वाला है। रूस को करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान सप्लाई करेगा। 13 दिसंबर 2023 को दोनों देशों के बीच में ये बड़ी डील हुई थी और ऐसे में जल्द ही घातक मिसाइल फेथ 360 की डिलीवरी होने वाली है। यानी रूस के पास भी खतरनाक हथियारों की खेप भेजी जा रही है। दो यूरोपीय खुफिया सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है कि इन मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए रूसी सैनिकों को ईरान में ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि दुश्मन के ठिकानों को खाक किया जा सके। जल्द ही ये ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, इसके बाद रूस को इस घातक मिसाइल की डिलीवरी होनी है। ईरान की ओर से रूस को ये फेथ 360 मिसाइल ऐसे वक्त में दी जा रही है जब वो लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा है। ऐसे में रूस की ताकत काफी हद तक बढ़ना तय है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने ईरान को धमकी दे दी है और कह दिया है कि अगर ऐसा होता है तो उसे खामियाजा भुगतना होगा। तो क्या हथियारों के लेन देन पर अब ईरान और अमेरिका आमने सामने होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको उस ईरानी अस्त्र के बारे में बता देते हैं जिससे अमेरिका यहां तिलमिला चुका है। आपको बता दें ईरान की फतेह 360 मिसाइल 787 किलो वजनी है। इसकी खासियत आप ये जान लीजिए कि ये क्यों इतनी खतरनाक है। 5000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ये हमला करती है और हमला करने में सक्षम है। 120 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार गिराने की इसकी क्षमता बताई जा रही है, इसकी खासियत है ये आपको बता दें। और 105 किलो के वॉरहेड से क्लोज टारगेट उड़ाने में भी ये सटीक निशाना साध सकती है। इमारत, बंकर, हथियार, तेल डिपो पर सटीक निशाना लगाकर इसके जरिए ब्लास्ट किया जा सकता है। 100 फीट दूर भी गिरे तो टारगेट पूरी तरीके से खंड खंड होगा, यानी कि ध्वस्त हो जाएगा। ये इसकी खासियत आपको लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरीके से अमेरिका इसराइल की ढाल बनता हुआ यहाँ पर अभी दिखाई दे रहा है। वो भी आप अभी जान लीजिए कि किस तरीके से अमेरिका इसराइल के लिए कवच तैयार कर रहा है। वो भी हम आपको एक ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि इसराइल को चारों ओर से मजबूत करने के लिए, बचाने के लिए अमेरिका किस तरीके से यहाँ भूमध्य सागर, आप देख रहे हैं भूमध्य सागर में पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया तैनात कर दी गई है अमेरिका की ओर से ताकि इसराइल को वो कवच यहाँ मुहैया करवाया जा सके। इसी के साथ में डिस्ट्रॉयर शिप फ्रिगेट भी तैनात किया गया है अमेरिका की ओर से। भूमध्य सागर में ही यूएसएस एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो भी यहां पर तैनात किया गया है। गाइडेड मिसाइल सबमरीन तैनात कर दी गई है। तो ये तैनाती है जो इसराइल को कवच मुहैया यहां पर करवाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात अब लाल सागर की करेंगे कि किस तरीके से लाल सागर में यहां पर जो कवच है वो तैनात किए गए। वो भी आपने देखा कि इसराइल पूरी तरीके से यहां महफूज रहे ये कोशिश अमेरिका कर रहा है। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन महायुद्ध की, क्योंकि ये महायुद्ध पिछले 2 साल से थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन 2 साल के बाद यूक्रेनी सेना पहली बार रूस की सीमा में दाखिल होती है और कैसे 30 किलोमीटर अंदर वो जा चुकी है। लेकिन रूस भी पलटवार लगातार कर रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में क्या रूस और यूक्रेन की जंग 2 साल बाद निर्णायक मोड पर आ चुकी है? क्या जल्द ही सबसे भीषण जंग का रिजल्ट सबके सामने आने वाला है? पुतिन और जेलेंस्की में से कौन बाजीगर बनेगा? क्या इस राज से भी पर्दा उठने वाला है? धमाकों से गूंजने वाला रूस और यूक्रेन का जंगी मैदान क्या अब यूक्रेन फतह कर रहा है? क्योंकि रूस की सेना को टक्कर देते हुए यूक्रेन की सेना अब रूस में करीब 30 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुकी है। पुतिन के घर में करीब 350 वर्ग किलोमीटर का एरिया भी वो अपने कब्जे में कर चुकी है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूस में अपना झंडा भी फहरा दिया है। हालांकि जेलेंस्की ने माना है कि इस ऑपरेशन में करीब 24 घंटों के अंदर ही उनके 250 सैनिक मारे जा चुके हैं।
रूसी सीमा में दाखिल होकर कुर्स्क क्षेत्र के बड़े हिस्से पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। 2022 में जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि यूक्रेन रूस में घुसकर हमले कर रहा है। ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिक इमारतों पर रूसी झंडा हटाकर अपने देश का झंडा फहरा रहे हैं। 24 घंटों में रूस के अंदर यूक्रेन ने दो प्रमुख किलेबंदियां ध्वस्त कर दी हैं। यूक्रेनी हमले की वजह से कुर्स्क प्रांत के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी खतरा मंडराने लगा है। ये प्लांट सुज्जा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि इस घुसपैठ का करारा जवाब मिलेगा। मतलब साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी भीषण होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।